के न्यूज आपका अपना न्यूज। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं के न्यूज आपका अपना न्यूज। मैं हूं राज मखीजा और आप सबको रूबरू करवा रहा हूं शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ। चलिए नजर डालते हैं हमारे शहर में घट रही कुछ घटनाओं पर और जानते हैं कि क्या कुछ घट रहा है हमारे शहर उल्हास नगर में। के न्यूज आपका अपना न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से गरीब और गरजू महिलाएं जिनके घर गैस के कनेक्शन नहीं थे उनके लिए एक योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम था उज्ज्वला योजना। बता दें कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उल्हास नगर शहर में भी कई गरीब और गरजू महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए, वो भी मुफ्त में। आइए इस पर अधिक जानकारी लेते हैं और जानते हैं इस योजना के बारे में सविस्तार से। आपका अपना न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मी का मौसम अब पूरा होने जा रहा है और बारिश कभी भी दस्तक दे सकती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि उल्हास नगर महानगर पालिका की ओर से शहर के कई नालों की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में उल्हास नगर कैंप क्रमांक 3 के फर्नीचर बाजार के व्यापारियों की कुछ मांगे हैं नाला सफाई के कार्यों को लेकर, जिसको प्रशासन तक पहुँचाने के लिए उल्हास नगर शहर के जाने माने श्री पी एस आहूजा जी, सिंधु नगर फेडरेशन व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश दुर्गियाणी जी और साथ ही अन्य कई व्यापारियों ने प्रशासन से गुहार लगाई और नाला सफाई के कार्य पर अपनी स्पष्टता दी। चलिए सुनते हैं। हम यहाँ पे हॉस्पिटल रोड शनि मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। उसके पीछे जो नाला है उसकी वजह से हर साल अच्छी बाढ़ आ जाती है और हम कारपोरेशन के अधिकारियों को, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को कोसते रहते हैं। वो तो अपने जी जान से काम करते हैं लेकिन उनको जो मुश्किलें होती है उसका मुआयना करने के लिए आज यहाँ पे हम व्यापारी फेडरेशन की तरफ से नरेश लाल दुर्गियाणी जी के साथ, मोहनदास के साथ और खुशी के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं और हमारे साथ अधिकारीगण भी है, पवार साहब है, खराज साहब है, डेविड साहब है। ये अपना जी जान से जो है नाला सफाई करने में कोशिश में जुटे रहते हैं लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है नाले की चौड़ाई कम की गई है। ये आप समझ सकते हो कि कैसे वो नाले की चौड़ाई कम हो गई है। हम अपने जगह को पीछे 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 दो दो तीन तीन फुट करके बढ़ाते आए हैं। अभी वो बड़ा नाला जो है एक नाली बन गया है। यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे जिनके हाथ में ये लैंड है उन्होंने हमें जो है बहुत अच्छा जो है सहयोग देने का एक आश्वासन दिया है कि यहाँ से भले जो है मशीनरी जो है नाले सफाई के लिए जावे, जैसे आने वाले समय में हमारे शहर में और ये जो प्राइम प्लेस है फर्नीचर बाजार, न्यूरा हाई स्कूल है, हॉस्पिटल है, सेंट्रल रेड क्रॉस सोसाइटी है और बहुत सारी आवक जावक होती है। बहुत बड़ी बात तो है कि यहाँ पे अभी अभी जो है बहुत अच्छा बढ़िया जो है रोड बनाया गया है। बाढ़ आने से वो रोड जो है फिर खस्ता हालत में हो जाएगा। फिर हम अपने जो है नगर सेवकों, हम अपने जो है जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कोसते रहेंगे। ऐसा मौका फिर से जैसे न आए, हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखे, आप सबको हमारा बारिश को ध्यान में रखते हुए हमारे मेयर साहिबा मीना अलानी जी और हमारे बीजेपी के अध्यक्ष कुमार अनिल जी, जिनको बताया गया कि हर साल काफ़ी नुकसान होता है हमारे फर्नीचर वाले दुकानदारों का, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, पानी निकलने का वहाँ पे कोई निकाल नहीं है, साफ सफाई में कमी है। ये बात आहूजा साहब ने जो कही ये सत्य है कि थोड़ा थोड़ा करके जो नाला है वो अब नाली बन गई है, लेकिन
अगर आप कहेंगे तो हम सभी दुकानदारों से जो दो दो फुट या ढाई ढाई फुट जो आगे पीछे आ भी गया तो सभी से सहमति लेके भी हम उस नाले को अच्छी तरीके से फिर से एक नाला बना सकते हैं। और उस सफाई के लिए आज यहाँ पर हमारे पीए साहूजा जी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, सभी व्यापारियों के साथ में, और डिपार्टमेंट भी उनका यहाँ पर है। सेवा सदन कॉलेज की तरफ से वहाँ से सफाई चालू है, लिंक रोड की तरफ से भी चालू है, लेकिन जो बीच में जो कचरा जो जाम है वो निकालने के लिए आज हम शनि मंदिर के पीछे उनके लैंडलॉर्ड जो हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनको हमने निवेदन किया कि हमें यहाँ पर जगह दी जाए ताकि हमारी मशीनरी यहाँ से जाकर कचरा साफ कर सके, तो उन्होंने भी हमें कहा कि ठीक है, मैं शहरीत के लिए साफ सफाई के लिए मैं रेडी हूँ, तो उन्होंने हाँ कहा है। हमारी मशीनरी यहाँ से जाके काफ़ी कुछ यहाँ से नाले से कचरा निकलेगा, तब जाके पानी स्मूथली आगे निकल जाएगा, जो बाढ़ आने के काफ़ी चांसेस कम हो जाएंगे और लोगों का काफ़ी नुकसान कम होगा। जैसे नरेश जी ने कहा और पी एस आहूजा सर ने कहा कि मैं इस लैंड का ओनर हूँ और मैं इनको बोलता हूँ कि आप भली कीजिए, कोई इशू नहीं है, शहर के अगर हित में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए हम बीच में नहीं आएंगे। और वो बहुत अच्छी चीज़ है कि पी एस आहूजा सर इतना कुछ कर रहे हैं शहर के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पदाधिकारी अपना महानगर पालिका के सब डिपार्टमेंट पवार जी हमारे को पूरा सहयोग देते हैं, हर साल की तरह ये टाइम भी हमारे को अच्छी तरह सहयोग देंगे। और जेसीबी लगा के हमारे को पूरा नाला सफा करके दे रहे हैं, पवार ने ये वादा किया है, और महापौर ने भी हमारे को पूरा आश्वासन दिया है, कुमार ने भी आश्वासन दिया है, और हमारे नरेश दुर्गानी भी हमारे फेडरेशन के हैं, और अपना पी एस आहूजा भी है, उनको भी आश्वासन दिया हमारे को कोई टाइम में पंचायत में तकलीफ नहीं आएगी और रोड पे पानी नहीं आएगा। यांच्या आदेशान्वये शहर 46 मोठे नाले आणि छोटे अंतर्गत प्रत्येक प्रभागातले नाले सफाईचे काम युद्ध पातळीवर सुट्टीच्या दिवशी काम सुरू आहे। आणि यात आम्ही शहरामध्ये 5 मोठे पोकलेन मशीन सुरू झालेले आहेत आणि एक छोटा बकेट आणि 2 JCP आणि 8 डंपरच्या सहाय्याने कचरा लिफ्टिंगचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। तर या अंतर्गत आज या ठिकाणी सेवा सदन ते सहामुखी नाला हा अंतर्गत जो मोठा नाला होता तो अतिशय छोट्या पद्धतीने तो नाला झालेला आहे आणि बऱ्याचशा लोकांनी एक 2-2, 3-3 फूट दोन्ही साईडने अतिक्रमण करून तो अतिक्रमण झाल्यामुळे अतिशय अरुंद झालेला आहे, त्यामुळे मनुष्य बळ किंवा मशिनरी इथं लावणे शक्य झाले होत नाही आहे। त्या अनुषंगाने या स्थानिक भागातल्या आपले कार्यकर्ते आहेत जे आहूजा साहेब आहेत, नरेश दुर्गानी साहेब आहेत आणि लँड ओनर्स हनुमान मंदिरच्या पाठीमागे ज्या ठिकाणी मोकळी जागा आहे त्या ठिकाणी मशिनरी आतमध्ये टाकून तो नाला पूर्णपणे साफ करणं शक्य होणार आहे। आपका अपना न्यूज़। उल्हासनगर केंद्र क्रमांक 5 में हाल ही में 7-11 फाइन डाइन नामक एक रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है। बता दें कि इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन उल्हासनगर शहर की महापौर श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी ने किया। बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में श्रीमती मीना कुमार आइलानी जी के साथ साथ उल्हासनगर शहर के कई गणमान्य लोग भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपना न्यूज़।
सिंधुनगर व्यापारी महामंडल ट्रस्ट की ओर से हर साल की तरह इस साल भी व्यापारी एकता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि उल्हासनगर शहर के तमाम व्यापारियों ने इकट्ठे होकर एक बैठक में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर उल्हासनगर शहर के भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष श्री कुमार आइलानी जी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उल्हासनगर शहर में पिछले दिनों साई मीरपुरी जी का जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। बता दें कि साई मीरपुरी जी का ये 96वां जन्मोत्सव था जिनको बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाकर उन्हें याद किया गया। आज हमारे परम पूजनीय साई मीरपुरी साहब का 96th जन्मदिन हमारे और जूनियर कॉलेज में मनाया गया। मैं उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से यह जो जन्मदिन हमारे साईं मीरपुर जी का शमीम भाई और उनकी पूरी ग्रुप ने पूरी परिवार ने यह जो मनाया है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे साईं मीरपुरी साहब जो हमारे शहर के सच्चे संत थे और वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स कभी नहीं देखा उन्होंने, आल पार्टी के साथ में उनके अच्छे संबंध थे। तो मैं शमीम भाई और उनके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं कि आज भी उन्होंने साई को हर साल ये दिन पे, ये तारीख पे, ये महीने में याद करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज यहां पर अमर हम लोग उपस्थित हुए हैं। शमीम जी ने यहां पर एक कार्यक्रम रखा है हमारे परम आदरणीय साई टेकचंद मीरपुरी जी का 96वें जन्मोत्सव। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से साईं जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ परम आदरणीय मोहम्मद रफी साहब जी का भी स्टेचू उन्होंने यहां पर लगाया है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं शमीम जी को कि ऐसे परम आदरणीय साईं जी जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे और आज भी साईं टेकचंद मीरपुरी आश्रम में गरीबों के लिए दवाइयाँ, बहुत सारे सेवा के कार्य वहाँ पर चल रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे साई को मैं नतमस्तक करता हूं और अपने शमीम जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वह उनकी जन्म उत्सव पुण्यतिथि याद करके मना रहे हैं। और शहर के कई गणमान्य व्यक्ति हमारे डॉक्टर जयराम लीला जी उनको साथ में लेकर के और कई उनके साथी यहां पर इस सभा में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे सिंधी समाज उल्लासनगर शहर के लिए एक बड़ा पुण्य दिन है कि हमारे जो परम पूजनीय साईं मीरपुरी जी, आज उनका 96th बर्थडे है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो समाज सेवा में अर्पित किया। गांधी रोड स्थित विधवाओं के लिए उन्होंने रहने का सनत लेके उनको बाकायदे बैरक के रूम्स लेके दिए, गरीबों को राशन हर महीने देते थे, अभी भी उनका वो कार्य चलता है। आपका अपना न्यूज। नूपुर डांस एकेडमी की ओर से हाल ही में समर डांस शो का आयोजन किया गया जिसमें नूपुर डांस एकेडमी के कई बच्चों ने कई रंगारंगी कार्यक्रम पेश किए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उल्हासनगर शहर के कई गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
मिसेस रेखा राजीव शाह, नुपुर डांस एकेडमी एंड नुपुर प्ले ग्रुप नर्सरी से मैं बोल रही हूँ। आज हमारे यहाँ समर शो का आयोजन हमने टाउन हॉल में किया है। इन बच्चों ने डेढ़ महीने में जो कुछ भी नुपुर डांस एकेडमी में सीखा है उन्होंने आज यहाँ स्टेज पे परफॉर्म किया है। हमारे बच्चों ने यहाँ पे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फोक, कंटेम, सालसा, हिप हॉप, सेमी क्लासिकल डांसेस परफॉर्म किए हैं। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे जो नर्सरी में 3 इयर्स 4 इयर्स के बच्चे हैं उन्होंने भी यहाँ पे सवा महीने में सीख के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नुपुर डांस एकेडमी बच्चों को हमेशा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। काफ़ी बच्चे हमारे टीवी सीरियल में आए हैं और आगे भी आएंगे। और जो बच्चे हमारे क्लासिकल सीखते हैं उनको 10th स्टैंडर्ड में 15 मार्क्स ऐड होके आ रहे हैं। थैंक यू। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उल्लासनगर शाखा की ओर से हाल ही में उल्लासनगर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत कई जगहों की, कई परिसरों की साफ सफाई की गई। इस मौके पर नगर सेवक श्री महेश सुखरामानी जी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता उल्लासनगर के यहाँ पर आके हमारे उल्लासनगर स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 में जो सफाई हो रही है ये बहुत खुशी की बात है और अप्रिशिएट करने की बात है। तो इनका ये सभी जो टीम है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एज ए उल्लासनगर के अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने उल्लासनगर स्टेशन की स्वच्छता का दायित्व लिया और माननीय मनोहर पाटिल जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, महेश सुखरामानी जी के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं स्वच्छता के प्रति कि स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उल्लासनगर, यहाँ बच्चों ने एक इनिशिएटिव लिया स्वच्छ भारत अभियान के लिए। बहुत ही जोरों शोरों से वो काम कर रहे हैं, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। उनको देख के जो जनता है वो भी काफ़ी उत्सुक है। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी ऐसे ही आगे बढ़े और हमारे स्टेशन मास्टर सर का, महेश सुखरामानी जी का जो नेतृत्व मिला हमें उसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि हम स्वच्छ भारत अभियान निभाए जैसे कि मोदी जी निभा रहे हैं। उन्होंने जो एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था पूरे देशवासियों के लिए, उसी के साथ हम सब ने मिलकर जो है कि ये कार्यक्रम, हमारे कई सारे बच्चे जो बदलापुर से आए हैं, जो कल्याण से आए हैं, जो विठलवाड़ी से आए हैं, उन सब ने मिलकर हमारा योगदान दिया है। आज बच्चों ने यहाँ पर उल्लास स्टेशन पर दोनों प्लेटफॉर्म की सफाई अभियान का उन्होंने आज जिम्मा लिया है। सभी को आज के प्रोग्राम के लिए मैं उनका धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले उल्लासनगर महानगर पालिका की ओर से शहर भर में नाला सफाई के कार्यों को शुरू किया गया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि हाल ही में नगर सेवक राजेश भदरिया जी के वार्ड में भी नाला सफाई का कार्य बढ़ चढ़ कर किया गया। हर साल की तरह इस साल भी 21 मई को नाला सफाई का अभियान की शुरुआत मेरे वार्ड से हुई, जहां पर व्हाइट हाउस से पोकलेन लगा के हमने नाला सफाई का अभियान की शुरुआत की। उस सिलसिले में आज जापानी बाज़ार दोनों तरफ नाला सफाई, आज मंगलवार है इसके लिए कर रहे हैं कि दुकानदारों को भी सफाई होके मिले लेकिन तकलीफ़ ना हो। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरे वार्ड में कहीं भी वाटर लॉगिंग ना हो, कहीं भी बाढ़ की जैसी परिस्थिति ना हो, लोगों का जान माल का नुकसान ना हो। मैं अपने दुकानदार पूज नेहरू चंद पंचायत के तरफ से बोल रहा हूँ
हमारे यहाँ राजेश मंडा हर साल यहाँ पे गटर की सफाई कराते हैं और एकदम साफ़ सुथरा रखते हैं, और इनके आदमी भी सुबह को आके साफ सुथरा रखते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ राजेश भद्रा। के न्यूज़, आपका अपना न्यूज़। उल्लासनगर केम क्रमांक 5 के लख जीवन घोट गौशाला में एवरग्रीन सीनियर सिटीजन क्लब की ओर से अंताक्षरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एवरग्रीन सीनियर सिटीजन क्लब के तमाम सदस्यों ने मिलकर अंताक्षरी में हिस्सा लिया। रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन स्पॉन्सर करे एवरग्रीन सीनियर सिटीजन क्लब दादा देवीदास बारवाणी। अज हर महीने तरह इन प्रोग्राम जो हों अज लख जीवन घोट गौशाला में अज उन अंताक्षरी प्रोग्राम रखे हो जिमें गीत संगीत ही ढी धूम मची ढो मेंबर पा में इंजॉय कर बर्थडे मल्हाय वो ईंदड़ महीने 10 जून गोवा लाइ प्रोग्राम जो उन्हनि जो अनाउंसमेंट थियल आ वो प्रोग्राम ॾेई गोवा वठी था वञनि घुमाइण, ऐं 3 जून जो बांद्रा गंधर्व हॉल में एनसीपी सेल जो जेको प्रोग्राम आहे असांजो उन में असांजे उल्लासनगर श्री जगदीश लछाणी साहब खे फस्ट प्राइज़ मिली आहे एनसीपी सेल जे तरफ़ा। उन्हनि खे 5 लख इनाम ॾिनो वियो आहे उनजे लेखन ऐं साहित्य जे करे। त उते बि हिकिड़ी बस भरिजी करे एवरग्रीन सीनियर सिटीजन क्लब जे तरफ़ां असांजे उल्लासनगर सिंधियत वधाइण लाइ ऐं उन्हनि खे पंहिंजे शहर जी शान वधाइण लाइ उन्हनि खे हिमथाइण लाइ उते बॉम्बे बि 3 तारीख़ इन्हनि अनाउंसमेंट कई आहे, उते बि सॼी बस भरिजी करे वेंदी। देवीदास बारवाणी हमेशह सिंधियत जो सीनियर सिटीजन जो ऐं भारतीय जनता पार्टीअ जो कमु हिकदमि दिलि ऐं दिलो जान सां कंदा आहिनि। मां उन्हनि खे वधाई थो ॾियां, उहे हमेशह पंहिंजे कम खे वधाईंदा रहनि। असांजे हिन एवरग्रीन सीनियर सिटीज़न जा अध्यक्ष श्री देवीदास भारवाणी सचपच थोरे वक़्त में न फ़क़ति यानी पंहिंजो नालो रोशन कयो आहे, पर जेके बि मेंबर्स आहिनि उन्हनि खे बेहद ख़ुशि रखियो अथई। अॼु रोटरी क्लब सपना गार्डन जे तरफ़ां अंताक्षरी जो प्रोग्राम हुयो, जंहिंमें अलॻि अलॻि कलाकारनि पंहिंजो ख़ूब निभायो, उन कलाक में पंहिंजो निखार ॾेखारियो। सचपच देवीदास न फ़क़ति अहिड़ा प्रोग्राम रखे थो पर हिते हुते घुमाइण जा ॿाहिरि प्रोग्राम रखे थो, उन लाइ मां हुनखे लख करोड़ वाधाई ॾींदुसि। एवरग्रीन सीनियर सिटीज़न जा प्रेसिडेंट देवीदास भारवाणी, जंहिं पंहिंजो सॼो जीवन समर्पित कयो आहे समाज खे ऐं सिंधियत खे, मां हुनखे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं ॾियां थो। जेका हीअ तव्हां सिंधियत जी जो जॻहि आहे हिन में तव्हां हमेशह सफल रहो ऐं ख़ूब नालो कढो। जय झूलेलाल। अॼु एवरग्रीन सीनियर सिटीजन क्लब में अंताक्षरी हैप्पी बर्थडे, छा त प्रोग्राम मल्हायो वियो। सचपच देवीदास भारवाणी प्रेसिडेंट एवरग्रीन सीनियर सिटीजन जेको पिकनिक कंदो आहे, जेके ताक़त वारा ताम खाराईंदो आहे, देवता बि चवंदा आहिनि जेकर असीं हिन क्लब जा मेंबर बणिजूं, ऐं उन्हनि जो बि वाति पाणी पाणी थींदो आहे। इहो ॾेखारे थो त थोरे वक़्त में थोरनि महीननि में जेको हिन नालो कढियो आहे, मां नथो सम्झां त उल्लासनगर में हेतिरियूं सनताऊं आहिनि उन्हनि को एॾो नालो कढियो आहे। इहो देवीदास भारवाणी जी मुहबत मुहबत ऐं सोहबत जो इहो करिश्मो आहे। मुंहिंजे मन में घणनि ॾींहनि खां ई हुई तमना त मां सीनियर्स खे ख़ुशि रखां, गीत ॻारायां, जेके झूना भुलिजी विया आहिनि गाना उहे अची ॻाइनि। इन करे अॼु मूं अंताक्षरी जो प्रोग्राम रखियो आहे, जेको ज़बरदस्त डिमांड ज़बरदस्त सुपर हिट वियो,
ऐं मां लख जीवन घोट गौशाला वारनि जो ट्रस्टिन जो बि धन्यवाद थो शुक कयां जो मूंखे ही एसी हाल ॾेई करे मूंखे हिन प्रोग्राम कामयाबु करण लाइ ॾिनो ऐं मां धन्यवाद थो कयां असांजे हिन प्रोग्राम में जेके ठाहींदड़ ऑब्ज़रवर ऐं जज थिया उन्हनि जो बि धन्यवाद थो कयां श्री जवाहर वसियाणी सर श्री रमेश नानकाणी सर श्री प्रकाश चांगलाणी सर श्री दीपक वाटवाणी सर असांजे विच में वॾा वॾा माण्हू आया असांजे रोटरी क्लब आहे सपना गार्डन जो प्रेसिडेंट श्री गोपाल सुखवाणी साहिबु आया हरीश दामेजा आया मां पाण बि रोटरी क्लब मां जुड़ियल आहियां मां तहदिल सां शुक्रगुज़ार श्री बचाराम रूपचंदाणीअ जो बि जेके पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी करे हिते आया मां वरी बि सभिनी आयलनि महिमाननि जो दिलि सां शुक्रिया थो अदा कयां के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ तो के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही लेकिन चलते चलते आप सभी शहरवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश अगर आपके आसपास या आसपास के परिसर में कोई भी घटना घटती हो और आप चाहते हैं कि उस घटना को हम के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से शहरवासियों तक या फिर प्रशासन तक पहुँचाएँ तो आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर उन घटनाओं की जानकारी आप हमें दे सकते हैं इसी संदेश और इसी निवेदन के साथ के न्यूज़ की पूरी टीम के साथ साथ राज माखीजा को देंगे इजाज़त बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ आपका अपना न्यूज़